तो अगर आपके पास है लावा यूवा 3 मोबाइल और आप अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो को गैलरी से हाइड करना है तो कैसे हाइड करो। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गैलरी को ओपन करके हमारे मोबाइल में क्या क्या फोटोज हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम फोटोज को ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो को मैं ओपन कर लिया। ये दोस्तों हमारे मोबाइल में फोटो हैं और इनको मैं हाइड करके अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, फोटो वीडियो हाइड करना है। तो आपके मोबाइल में ये फाइल्स एप्लीकेशन रहता है, इसको ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से अलाउ करते थे। अलाउ करने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पिन या पैटर्न एक लॉक सेट कर लेंगे पहले, तो यहाँ से हम पिन एक लॉक सेट कर लेते हैं। पिन लॉक सेट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर से सेम पिन वही बना लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। गोट इट पर क्लिक करेंगे और बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने मोबाइल में एक फोटो ले लेते हैं, मान लीजिए ये तीनों फोटो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है, मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और जो पिन बनाया था वो पिन यहाँ पे डालेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। हमारे मोबाइल से ये फोटो हाइड हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले गैलरी में जाऊंगा, यहाँ पे देखते हैं फोटो को ओपन करता हूँ। और जो दोस्तों मैंने वहाँ पे फोटो अभी दिखा था, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मोबाइल से वो फोटो गायब हो चुकी है। अब उनको दोस्तों हाइड हो चुकी है और उनको देखना है चलाना है तो आपको फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे, सेव फोल्डर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने पिन बनाया था वो पिन यहाँ पे डालेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फोटो हाइड हुई यहाँ पे आ जाती है, इनको फिर से अनहाइड करना है। तो यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, फोटो फिर से आपके मोबाइल में गैलरी में चली जाती है। अब फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे, यहाँ से अनहाइड करके फिर से दिखाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज को ओपन करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमारे मोबाइल में फिर से गैलरी में फोटो आ चुकी है। तो इस तरीके से अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो को आसानी से हाइड कर पाओगे।